अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शोबिज के रंग पर लाई के संग के साथ आपका मेज़बान नदीम चौधरी हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात शोबिज से वाबस्ता हस्तियों के साथ करवाते हैं, तो आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट मुल्तान से, जिनका ताल्लुक मुल्तान जो कि फनकारों की सरजमीन कहलाता है, जहाँ से बहुत से सुपरस्टार्स ने इंडस्ट्री में कदम रखा, तो ऐसी ही एक फनकारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत बहुत टैलेंटेड दीदार मुल्तानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा दीदार, शोबिज़ की दुनिया में किसको देख के कदम रखा, क्योंकि मुल्तान से बहुत से आर्टिस्ट आए? बस मैंने अपनी सिस्टर्स को जो पहले ड्रामा फील्ड में थी, शोबिज़ में थी, तो उनको देखकर मैं थिएटर लाइन में आई। तो कितना अरसा हो गया? मुझे 5 साल हो गए। तो आपने ये नाम जो दीदार चुना, तो ये मतलब दीदार सीनियर को देख के चुना? नहीं, ये मेरे एक मुंह भोले भाई थे, उन्होंने मेरा नाम रख दिया था दीदार, और फिर आगे से मुल्तानी, ताकि मुल्तान की पहचान हो, जहाँ भी जाऊँ तो मुल्तान को याद रखा जाए। अच्छा, अब तक किस किस शहर में परफॉर्म कर चुकी? मेरे ख्याल में मैंने पंजाब में सारे सब थिएटर्स पे काम किया। मैंने कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहाँ पे मैं कह सकूँ कि मैंने यहाँ पे ड्रामा नहीं किया, मतलब पाकिस्तान के जितने पंजाब के थिएटर हैं सब पे मैंने ड्रामे किए हुए। कौन सा ऐसा शहर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद? जी मुझे मेरा मुल्तान शहर बहुत पसंद है, मुझे फैसलाबाद भी पसंद है, मुझे गुजरांवाला, मुझे पूरा पंजाब पसंद है। मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे वो इतना प्यार इतनी इज्जत देते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं बार बार वहाँ स्टेशन पे जाऊँ। अच्छा, हमारे सुनने में एक अफवाह आई है कि दीदार बहुत लड़ाका है, ये अपने साथी आर्टिस्टों के साथ बहुत लड़ती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी हूँ? ये मैं नहीं, ये हम तक पहुँची है आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने सीनियर की हम रिस्पेक्ट करते हैं, जूनियर को हम प्यार से बात करते हैं उनके साथ, ताकि हमारे सीनियर होते हैं उनसे देखकर हम सीखते हैं, फिर हम अपने जूनियर के साथ भी वैसा रवैया रखते हैं जैसे हमारे सीनियर लोग हमारे साथ रखते हैं। लड़ाई देखें, ये थिएटर का एक हिस्सा है। ड्रेसिंग सेम हो जाना, गाने सेम हो जाना, एंट्रियाँ सही ना होना, ये तो एक थिएटर का हिस्सा है ना। लड़ाई ना हो तो फिर थिएटर कौन कहे इसको? ये भी बात सही है। अच्छा, थिएटर के अलावा फिल्म और टीवी की तरफ? अभी फिलहाल तो कोई भी नहीं, अभी फिलहाल सिर्फ थिएटर पे ही फोकस है। ऑफर नहीं आई या खुद नहीं किया? ऑफर्स तो बहुत होती हैं, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिलता हमें थिएटर से, तो इसलिए हम उधर की तरफ सोचते नहीं है कि अभी हमने टीवी पे जाना है या कोई ऐसा वैसा सीन, कोई भी नहीं अभी। सोशल मीडिया यूज करती हैं? हाँ जी, जितना हो सके, जितना टाइम होता है तो उतना तो यूज करते हैं। वो आजकल सारे आर्टिस्ट जो है वो बिगो शिगो नाम की कोई ऐप है, उस पे होते हैं, आप भी कर रही हैं? नहीं, मैं बिगो नहीं यूज करती, मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया हुआ, मैं टिकटॉक बनाती हूं। वो तो आज बैन हो गया फिर? देखिए, बैन हो गया तो खुल भी जाना है, कोई बात नहीं, पहले भी कई दफ़ा बैन हुआ है तो खुल गया, इस दफ़ा भी ओपन हो जाएंगे। अच्छा, आप एक्टिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो है या डांस की तरफ? मेरे ख्याल में दोनों की तरफ मेरा ज़्यादा फोकस है, एक्टिंग की तरफ भी फोकस है और डांसिंग की तरफ भी। अगर हम ये कहें कि जी दीदार अच्छी डांसर है या अच्छी एक्ट्रेस है, आपकी नज़र में वो कौन? मेरे ख्याल में अच्छी डांसर। एक्टिंग की तरफ अब फोकस है मेरा, कि अब मैं एक्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा सीख रही हूँ। डॉक्टर साहब, मतलब जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं इधर शालीमार थिएटर में, तो वो मुझे रोल करेक्टर की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह अब लोग मुझे एक डांसर नहीं और एक एक्टर भी कहेंगे, डांसर के साथ साथ एक्ट्रेस भी कहेंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं, शादी वादी का क्या इरादा? अभी तक किसी ने ऑफर नहीं करवाई, वैसे अभी मूड भी नहीं है मेरा। सच्ची मुझे? हाँ जी, फटाफट ऑफरें हो जाती हैं, बिल्कुल कोई नहीं हुई। नहीं, मैं अभी शादी की तरफ मेरा बिल्कुल कोई फोकस नहीं, अभी फिल्म फॉर जो है कि मेरा मेरे काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो है, थिएटर की तरफ अपने एक्टिंग की तरफ ज़्यादा है। अभी टाइम मिलेगा, जब शादी का वक्त आएगा तब शादी भी कर लेंगे। अच्छा, खाने में क्या पसंद? मुझे सब्जियाँ बहुत पसंद है। बनाने में क्या पसंद है बेवकूफ़ के अलावा? बेवकूफ़ तो नहीं बनाती मैं, खाने सारे मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ। सारे मसलन मेरे दाल चावल बड़े मशहूर हैं, मैं वाइट कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेती हूँ। मैं ये लक्ष्मी में आपके लगते हैं? नहीं नहीं, वहाँ नहीं लगते, मेरे घर में बनाती हूँ मैं, कहीं चौक पे नहीं बनाती। मैंने कहा मशहूर है ना? नहीं नहीं, वो मेरे घर दीदार दाल चावल? नहीं नहीं, वैसे दाल चावल हमारी फेवरेट डिश है, वो हमारे घर में अक्सर ही बनती रहती हैं। अच्छा, और ड्रेसिंग में कैसे ड्रेसेस पसंद? देखिए, थिएटर में जो होते हैं हम अपने करेक्टर के हिसाब से, अपने सॉन्ग्स के हिसाब से ड्रेसिंग करते हैं, जो वैसे मैं ड्रेसिंग लाइक करती हूँ वो वेस्टर्न ड्रेसिंग मुझे बहुत पसंद है। खुशबू में? खुशबू में मुझे सारी परफ्यूम्स अच्छी लगती हैं, वैसे मुझे एंजल्स बहुत अच्छी लगती हैं। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में किसी नए आर्टिस्ट के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।